वीरान जंगल। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। एक खूबसूरत दुल्हन पीपल के दरख्त के पास खड़ी थी। उस दरख्त के साथ एक बकरा बंधा हुआ था और उसके पास ये एक तेज धार वाला चाकू जमीन पर पड़ा हुआ था। अमीरा डायन, बलि स्वीकार कीजिए। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज फिजा में गूंजी। कहाँ है मेरा शिकार? तभी काले रंग की साड़ी पहने बहुत ही खतरनाक डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बलि दो, मुझे बलि चाहिए, वरना तुम्हारी कोक से पैदा होने वाला पहला वालिद मेरा शिकार होगा। ये सुनते ही दुल्हन डर गई। मैं बलि दे रही हूँ, कबूल कीजिए। उसने चाकू जमीन से उठाया और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे का सर एक ही झटके में उसके जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी बलि कबूल हुई। ये कहकर अमीरा डायन ने बकरे के जिस्म को उठाया और वहां से उड़ चली। उस दुल्हन ने उस बकरे की गर्दन उठाई और वहां से वो भी चली गई। अरे श्रेया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। मैंने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया और उन्होंने कल ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हें घर पे बुलाया है। हाँ। Oh wow, it's really super good news यार। अगले दिन विनीत और श्रेया गांव पहुंच गए। विनीत के मम्मी पापा ने उसका अच्छे से खुशामदी किया और खूब ख्याल रखा। एक रात श्रेया अपने कमरे में बैठी थी तो उसे बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। आज गांव में शादी है, आज एक और बलि देनी होगी। सुनते ही भागते हुए वो बालकनी में गई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमीरा गांव के घरों के ऊपर किसी चील की तरह मंडरा रही थी और तभी उसने ये भी देखा कि एक लड़की दुल्हन की पोशाक में हाथ में चाकू लिए हुए जंगल की तरफ जा रही है। ये देखकर वो तेजी से मम्मी के पास गई। अम्मी जान, ये सब क्या है? मैंने एक भयानक औरत को आसमान में उड़ते हुए देखा और एक दुल्हन को देखा जो हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। बेटा, हमारे गांव पर एक श्राप है। तुमने जिस भयानक औरत को उड़ते हुए देखा वो अमीरा डायन है, और जो दुल्हन तुमने देखी उसकी जंगल की तरफ जाने की भी एक वजह है। मैं समझी नहीं अम्मी जान, आप ठीक से बताइए। एक अरसे पहले की बात है, यहाँ अमीरा डायन का खौफ फैलना शुरू हुआ था। पहली बार भी वो इसी तरह आसमान में उड़ती हुई नजर आई थी। कुछ दिन उसने किसी पर भी हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी अब भयानक आवाज सुनकर सभी के दिल में खौफ पैदा होता जा रहा था। फिर एक रात गांव में एक शादी हुई, तभी अमीरा डायन आकर सबके सर पर मंडराने लगी और बोली, आज से मैं अमीरा डायन बलि लेना शुरू करूंगी। गांव में जब भी कोई शादी होगी उसी रात दुल्हन के हाथों पीपल के दरख्त के नीचे एक जानवर की बलि दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उस दुल्हन का पैदा होने वाला पहला वालिद मेरा शिकार होगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि अमीरा डायन ने किसी को उठाने की बात कही थी। गांव वाले उससे डरकर बात मानने को तैयार थे, लेकिन दुल्हन को उस पर भरोसा नहीं था और उसने कह दिया कि उससे किसी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। जब शादी के बाद कुछ महीनों बाद उसे औलाद हुई, उसी रात अमीरा डायन उस बच्चे को पालने से उठा ले गई। उस घटना के बाद गांव वालों ने उसकी बात मानना शुरू कर दिया। तब से अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। अगर इस गांव में किसी की शादी होती है तो उसी रात दुल्हन को अपनी हाथों से बलि देनी होती है, वरना भविष्य में अपने बच्चे को खोने का डर रहता है। क्या आप लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक या ओझा से मदद नहीं ली? गांव में एक ही तांत्रिक थे, भैरवनाथ। जब बात उन तक पहुंची तो उन्होंने पूरनमासी की रात को अमीरा डायन को खत्म करने की विधि का मुहूर्त रखा, लेकिन पूरनमासी के एक दिन पहले ही बाबा अपनी ही गुफा में मरे हुए पाए गए।
तब से हम लोग इस रस्म को निभाते आ रहे हैं। ये सुनकर श्रेया सोच में पड़ जाती है। उस तांत्रिक की गुफा में हो सकता है उस डायन से छुटकारा पाने का कोई राज छुपा हो, लेकिन ये लोग अकेले मुझे वहां जाने नहीं देंगे। रात को सबके सो जाने के बाद श्रेया बिना किसी को बताए चुपके से गुफा पहुंच गई। वहां उसे तांत्रिक के पुराने सामानों के साथ एक किताब दिखाई दी। उसने किताब को उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। ओह, तो ये वजह है कि अमीरा डायन बच्चों को उठाने का नाम लेकर गांव वालों से बलि लेती है। अमीरा डायन का राज पता करके वो चुपचाप अपने घर वापस पहुंच गई और अगली सुबह उसने मम्मी से कहा, अम्मी जान, हमारी शादी यहीं होगी। मुझे इस घर की बहू बनकर यहीं रहना है आज से सबके साथ। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो इस गांव की रस्म को, तुम उसको पूरा कर पाओगी क्या? अपने हाथ से एक जानवर की बलि दे पाओगी? वो भी उस समय जब वो भयानक डायन आधी रात को तुम्हारे सामने होगी। अम्मी जान, मैं कर लूंगी। दो दिन बाद रात 12 बजे श्रेया दुल्हन की पोशाक में अपने हाथों में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। वो एक पीपल के दरख्त के पास जाकर रुकी, जिसके नीचे एक बकरे को दिन में ही बांध दिया गया था। अमीरा डायन, मैं तुम्हें बलि देने के लिए यहाँ आई हूँ, बलि कबूल करो। बलि दो, जल्दी से दो, बहुत भूख लगी है। उसके बाद सुनकर श्रेया ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके उस बकरे की गर्दन पर चाकू चलाया। बकरे की गर्दन कटकर जमीन पर गिरी और अमीरा डायन हंसने लगी। बलि स्वीकार हुई, अब तुम जा सकती हो। अमीरा ने मरे हुए बकरे की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से चली गई। अब श्रेया अमीरा का पीछा करने लगी। अमीरा डायन एक गुफा के अंदर चली गई। वहां श्रेया ने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, वो वहां पर बैठा था। उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी और एक खूंटे से बंधी हुई थी। उस बच्चे ने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो बोल उठा, खाला, मुझे बचा लीजिए, इसने मुझे सालों से यहाँ कैद कर रखा है। तुम यहाँ कैसे आई? श्रेया भागकर उस बच्चे के पास गई और उसके हाथ में उसने चाकू थमा दिया। बेटा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस डायन को इस चाकू से खत्म कर दो। ये चूजा मुझे खत्म करेगा, चाहूँ तो मैं अभी तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। बेटा, अगर ये तुम्हें खत्म कर सकती तो ये तुम्हें जिंदा क्यों रखती? मैं अभी इसका राज पढ़ कर आ रही हूँ, अभी ये किसी को मार नहीं सकती। इसको ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए 99 जानवरों की बलि चाहिए, वो भी एक नवजात विवाहित दुल्हन के हाथों। लेकिन कोई भी दुल्हन इसको बलि क्यों देगी? इसलिए इसने तुमको उठाया और ये बात फैलाई कि अगर नई दुल्हन के हाथों इसको बलि नहीं दी गई, तो ये उनके पहले वालिद को उठा लेगी। इससे इसकी चाल कामयाब हो गई। दरअसल इसकी मौत सिर्फ एक बच्चे के हाथ ही हो सकती है। इसने ये खौफ फैलाया तो गांव के लोगों ने अपने बच्चों को छुपाना शुरू कर दिया और इसके ऊपर से जान का खतरा भी टल गया। अब इस गांव का भविष्य तुम्हारे हाथ में ही है बेटा, हिम्मत करो और खत्म कर दो इसे। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, देखो तुम मेरे पास मत आना। डायन की डरी हुई आवाज सुनकर बच्चे को यकीन हो गया कि श्रेया उससे सच कह रही है। उसने चाकू अमीरा की तरफ ताने हुए अमीरा की तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बच्चे ने उसकी एक ना सुनी और वो उसकी तरफ बढ़ता ही गया और एक झटके में अमीरा के पेट में चाकू घोंप दिया। जोर की आवाज गुफा में गूंजी और अमीरा डायन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। श्रेया ने उस बच्चे को शाबाशी दी और उसे अपने साथ लेकर घर पहुंची और उसने विनीत और मम्मी पापा के सामने सारा वाक्या कह दिया। तुम बहुत बहादुर हो बहू, तुमने हमेशा के लिए हमारे गांव को अमीरा डायन जैसे खतरे से बेखौफ कर दिया। अगली सुबह उस बच्चे को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। श्रेया और विनीत खुशी खुशी अपनी मैरिज लाइफ जी रहे थे और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ने लगी।